भाई सुबह का भूला अगर शाम को भी घर ना लौटे तो ये समझ जाओ कि उसे मोटा भाई ने शॉल उड़ाकर बीजेपी ज्वाइन करवा ली। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और ये है फन तंत्र। भाई वो दिन दूर नहीं जब चीन के शी जिनपिंग को भी भाजपा का पटका पहनाकर जय श्री राम मोटा भाई बुलवा ही देंगे। अखंड भारत बनाने के सपने को लेकर मोटा भाई इतना सीरियस हो गए हैं कि अगले सेंसस में हर दो में से एक बंदा भाजपा का ही होगा। इतनी भाग दौड़ तो आम तौर पर ओलंपिक्स में देखने को नहीं मिलती जितनी कि अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। आज कौन नेता कौन सी पार्टी में है और वो कल कौन सी पार्टी में होगा कौनो ठिकाना नहीं है। न्यूज वाले भी बेचारे अब अपने डिबेट में कंफ्यूज हो गए हैं कि अभी 5 बजे वाली डिबेट में जो नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया था वही नेता 6 बजे भाजपा की तरफ से बोल रहा है, ऐसा कैसे भाई। इसके चलते सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनता या पार्टी को नहीं है बल्कि इन नेताओं का जो फेसबुक और ट्विटर मैनेज करते ना लड़के उनको झेलनी पड़ती। उनको समझ में नहीं आता कि भैया नेताजी के पुराने कौन से वाले ट्वीट डिलीट करने हैं, कौन से फेसबुक पोस्ट हटाने हैं, मतलब अपनी पार्टी को गाली देने वाले या विरोधी दलों को गाली देने वाले। आज तो एक गजबी केस देखने को मिला। सौमित्रा खान 2019 में टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और सांसद बने। आज उनकी पत्नी सुजाता जी ने टीएमसी ज्वाइन कर ली। वैसे हिसाब यहां बराबर हो गया था लेकिन सौमित्र जी इतने जज्बाती हो गए कि इस बात से नाराज होकर उन्होंने तलाक देने की बात तक कह डाली। देखिए और बीजेपी के बारे में एक बात बहुत बढ़िया है, जहां भी वो चुनाव लड़ती है ना उस जगह का इतिहास, भूगोल, खान पान खुद ही पूरे देश को अपने आप पता चल जाता है। और बीजेपी के बारे में एक बात खराब ये है कि ये इतने नेताओं को पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं कि जनता कंफ्यूज हो जाती है कि वोट किसे दें और खुन्नस किस पे निकाले। कांग्रेस इस मामले में आत्मनिर्भर है, वहां आजकल जीत का तो कोई स्कोप है नहीं और हारने की जिम्मेदारी लेने के लिए सुरजेवाला जी को आगे कर दिया जाता है। खैर इससे सुरजेवाला जी को भी जिम्मेदार होने का एहसास बना रहता है। और सुरजेवाला जी को मैं अलग से भी सैल्यूट करना चाहूंगा क्योंकि कल कोई बता रहा था कि हार की जिम्मेदारी लेने के वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि पहला टेस्ट मैच जो इंडिया हार गई ना ऑस्ट्रेलिया में उसकी हार की भी जिम्मेदारी वो लेने वाले थे कि किसी ने उन्हें रोका और कहा सर नहीं नहीं सर नहीं इसे छोड़ दीजिए। अब बात ओवैसी साहब की। बंगाल में ओवैसी साहब की हालत गली क्रिकेट में कॉमन बनाए गए उस लड़के जैसी हो गई है जिसको कोई भी टीम अपना नहीं मानती। बैटिंग भी सबसे लास्ट में मिलती है और फील्डिंग भी दोनों तरफ से करनी पड़ती है और वो किसकी भी टीम है भाई साहब आज तक किसी को पता ही नहीं चला। यानी मुर्गी पहले आई या अंडा, इससे बड़ा सवाल ये बन चुका है कि ओवैसी साहब किसकी भी टीम है, कांग्रेस या बीजेपी। और ओवैसी भी भाई साहब करें क्या, कांग्रेस से गठबंधन कर नहीं सकते, भाजपा वाले करने नहीं देंगे और कहीं स्कोप है नहीं और जहां स्कोप है वहां का भी नाम बदलने को लेकर योगी जी बोल ही चुके हैं। और दीदी के तो भैया क्या ही कहने, चूंकि हमको हमारी जान प्यारी है इसलिए कोई पंच नहीं मारेंगे और पंच से याद आया कि पूरी दुनिया में कोरोना ने फिर से एक बड़ा पंच मारना शुरू कर दिया है और अब तक जो कोरोना कातिल था वो अब बहुरूपिया भी बन गया है। साला कोरोना ना हुआ अब्बास मस्तान की फिल्म का विलन हो गया है। और खबर ये आ रही है कि कोरोना ने अब अपना नया स्ट्रेन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इससे इसके चाइनीज होने की दोबारा पुष्टि होती है। कैसे भैया, एक प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद प्रो मैक्स वर्जन लॉन्च करने की बीमारी चीनियों में ही ज्यादा मिलती है। कोरोना का ये प्रो वर्जन जो है वो ओरिजिनल कोरोना से कह रहे हैं कि 70% ज्यादा घातक है। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक ये सिर्फ ब्रिटेन में ही है। पर वो भी कहते हैं कि पंछी नदिया पवन के झोंके और कोरोना कोई सरहद ना इन्हें रोके और ओरिजिनल वाला भी वुहान से उड़ के यहाँ आ ही गया था, इसलिए इस बारे में भी आपको सावधान रहना चाहिए। अब ये कोरोना प्रोमैक्स ब्रिटेन से उड़ के यहाँ ना आ जाए इसके लिए सरकार को जागना होगा और इंतजाम करने होंगे क्योंकि रिस्क है तो इश्क है ये वाला जो नारा है ना ये एक धांसू बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मोबाइल पे सीरीज देखने में ही अच्छा लगता है। असल जीवन में तो एक ही मंत्र अच्छा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसलिए प्लीज कोरोना की फास्ट बॉलिंग के सामने हमको पृथ्वी शॉ और टीम इंडिया की तरह नहीं खेलना है बल्कि राहुल द्रविड़ की तरह मजबूती से टिके रहना है। और प्लीज भाई साहब, हमारा कोच रवि शास्त्री जी नहीं है, कोई और है। इसलिए प्लीज अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं। रौनक साइनिंग आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।